हर चीज के दो पहलू होते हैं, इंडस्ट्री में भी दो ही पहलू हैं। आज की कहानी कावेरी प्रियम की जुबानी। आइए जानते हैं कास्टिंग काउच का पूरा सच। क्या सच में इंडस्ट्री में अब भी ऐसा ही होता है? मुंबई वह सपनों का शहर है जहां भविष्य बनाने के लिए कई लोग दूर से आते हैं। ये उद्योग जितना अच्छा लगता है पास में इसका उतना ही कम लाभ है। कास्टिंग काउच को तो आप जानते ही होंगे। हमारी आज की खबर इसी पर है, आइए आपको बताते हैं। कहते हैं टैलेंट हो तो आपको सब मिल सकता है, पर मुंबई का ये काला सच है। यहाँ प्रतिभा के साथ बॉडी टैलेंट भी जरूरी है। डेली सोप सीरियल की फेम एक्ट्रेस कावेरी प्रियम ने भी अपना किस्सा बताया। इस बड़े शहर में वो भी हुई कास्टिंग काउच का शिकार। कावेरी बताती हैं कि जिस दिन उन्होंने अभिनय विभाग को चुना था, रास्ता तो वहीं से ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि न सिर्फ वह ग्लैमर्स की दुनिया को देख रही थी परंतु उसके अंदर के काले सच को नहीं जानती थी। वो आगे कहती हैं कि मैं इस बात से काफी हताश हूँ क्योंकि काफी लोग शॉर्टकट विधि का उपयोग कर आगे बढ़ जाते हैं, पर मैं अपने प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ी। वो आगे कहती हैं कि मैं इस बात से खुश हूँ कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, मैंने अपनी राह खुद चुनी है। वे बताती हैं आगे कि वे अपने पिछले दिनों में काफी टूटी भी और वे कास्टिंग काउच का शिकार भी हुई। इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच बहुत नॉर्मल है, पर उन्होंने इस बात से अपने आप को टूटने नहीं दिया। वे आगे बढ़ती रहीं और उनको पता था कि वह दरअसल उनका टैलेंट के दम पे बनी है। दरअसल ई टाइम्स के इंटरव्यू में कावेरी ने इस बात के बारे में बताया कि उनको काफ़ी अजीब प्रपोजल मिले, पर क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अंदर टैलेंट है तो उन्होंने ऑडिशन देना जारी रखा और आज वह अच्छे रोल्स कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।